नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। अपना पंजन के प्रियंका के साथ पहल खबर सतना से ही, जहां पुलिस गुरुवार का रीवा जिला के जवत सितलहा के जंगल में दबिश दई के 65,000 की इनामी डकैत छोटू उर्फ पिंटू कोल का गिरफ्तार कर ली। छोटू खातिर मध्य प्रदेश में 15,000 और उत्तर प्रदेश में 50,000 की इनाम घोषित किया गया रहा। अपना को बताई कि छोटू सुंदर पटेल डकैत गिरोह के सदस्य रहा। पुलिस ओकालय के सगले ठिकाना के जांच में जुटी है। अपना को बताई कि रीवा और सतना जिला के पुलिस के निर्देश में डकैत गिरोह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में SDOP चित्रकूट और धारकुंडी के थाना प्रभारी की टीम रीवा के जवा में दबिश दई के पिंटू कोल का जंगल से गिरफ्तार करी ही, जौने के खिलाफ कई एक मामला MP और UP में दर्ज हमा। बुलेटिन के दूसरी खबर की बात करे थे, जहाँ रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। जौने में पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में 24 दिसंबर का आरोपी कृष्णपाल सिंह मुख्य नगर पंचायत अधिकारी चित्रकूट सतना का 1,00,000 रुपया के रिश्वत लेत रंगे हाथ पकड़ लेन। आरोपी कृष्णपाल सिंह शिकायतकर्ता अनिल तिवारी नया गांव से अनुकंपा नियुक्ति के बदले रिश्वत लेत रहे, जिनका सरकारी आवास में रंगे हाथ ट्रैप किया गया। यह कार्यवाही 15 सदस्यीय दल के साथ मिलकर किए गए, जौने की कार्यवाही जारी है। बुलेटिन की तीसरी खबर की बात करी थे, रीवा जिला के कोटेदार अपन मनमानी करे से तंग नहीं आवत लाग हम। ऐसा एक थे मामला हुजूर तहसील के साव ग्राम पंचायत से BPL कार्डधारी ग्रामीण लय के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बताएं कि कोटेदार सुशील अग्निहोत्री समय से सरकार द्वारा मुफ्त मिले वाले राशन के वितरण नहीं करा, जोने से ग्रामीण बहुत परेशान हमा और आए दिन कोटेदार कहा था कि राशन नहीं आवे। गांव वाले यह बताएं कि महीना में बस 2-3 दिन कोटा खुलत है, यहीं से परेशान हुई कि BPL कार्डधारी कलेक्टर का एक ज्ञापन सौंप के कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही के मांग करें ही। अपना सुनी पीड़ितन के का कहा है। आज एक मुद्दा है, लगभग ये पूरे रीवा जिले का ही है कि जहां ये राशन वितरण होता है तो जो कोटेदार होते हैं वो हमेशा अनियमितता करते हैं। आज का मामला है साव गांव का है, तो साव में सुनील अग्निहोत्री जी कोटेदार हैं। उन्होंने पिछले माह नवम्बर में कोटे में बड़ी समस्या कर दी कोटेदार, हमारे यहाँ कोटेदार सुशील अग्निहोत्री जी हैं। और ये क्या किए कि सब लोगों से अंगूठा लगवा लिए बायोमेट्रिक मशीन में, और उसके बाद जो पर्ची निकलती पर्ची निकाल कर नहीं दिए। कोटा महीने में 2 दिन खुलता है या 3 दिन, जबकि क्या कहते हैं अन्य जगहों पे देखा जाए, शहरी अंचल में देखा जाए तो क्या कहते हैं कोटे के खुलने का समय एक निर्धारित होता है, जिससे अपन कोई भी कहीं पे भी काम कर रहा है गरीब उसमें बाद आके अपना क्या कहते हैं गल्ला किसी भी दिन आके ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं केवल 2 दिन खोला जाता है, जिसमें काफ़ी भीड़ हो जाती है और भीड़ होने के कारण बराबर क्या कहते हैं लोगों को धक्का मुक्की और भीड़ में क्या कहते हैं गल्ला बराबर नहीं मिल पाता। बुलेटिन के आखिरी खबर ही सतना से, जहाँ जिला के सोहावल ब्लॉक के नियर एक ग्राम पंचायत ममरौला के हरिजन बस्ती में पिछले 8 सालों से वहाँ के रहवासी पानी खरीद के पिया थमा। एक कई जहाँ मध्य प्रदेश के सरकार विकास के दावा करा थी, वहीं ये गांव में सरकार के सगले दावा फेल हमा। वहाँ के लोगन के मानी तो 1 किलोमीटर दूरी स्टेट हाईवे का पार करके रोज गांव वाले पानी भरा थमा। आज 7-8 साल से सबसे बड़ी समस्या तो पानी की, और पानी यहाँ गांव के लोग सभी खरीदते हैं 150 रुपया महीने में, अब वो 150 से। सर समस्या मेरी पास एक 10 साल से हो गया है। आज यहाँ से हम 2 किलोमीटर तक पानी दूर तक लेने जाते हैं, है और है, और काम भी जाना पड़ता है तो पानी के चक्कर में लेट हो जाते हैं। सर हमारे पास पानी की समस्या है 10 साल से हो गए, मजदूर आदमी तो पैसा कमाते हैं, पानी के चक्कर में मजदूरी नहीं कर पाते हैं, बस ये हमारी परेशानी। सर लोग आते हैं बस हो गए, देख के चले जाते हैं, बस कोई देखने वाला ना सुनने वाला नहीं। आज की बघेली बुलेटिन यहीं तक, अगली खबर के साथ कल पेश हो। नमस्कार।